हमने पिछले सत्ते हमने संडे वीरवार और संडे तीन मीटिंग पवित्र आत्मा के ऊपर की। बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, जिन लोगों ने नहीं पाया उन्होंने एक बार भी आगे नहीं आए, हमने नहीं पाया। हमें बताओ जी हम कैसे, हम क्या करें इस आत्मा के लिए, हम क्या करें, मुझे मिला नहीं अभी आत्मा। आपको बताएं, अब अगर बाइबल में पढ़ो रसूलों के कर्तव्य पंजाबी में और हिंदी में प्रेरितों की बुक 8 अध्याय, वहां पे फिलिपुस नाम का यीशु मसीह का चेला था। क्या था? उस नगर में जब गया तो उसने बड़े बड़े काम किए उस आत्मा से। उसी नगर में एक जादूगर था जो अपनी शक्ति से लोगों को लिखा उसने हैरान करके रखा था। लोग उसे परमेश्वर की शक्ति मानते थे, पर ये जब परमेश्वर की बंदे उस आत्मा की और फिलिपुस ने उस आत्मा से परमेश्वर की शक्ति को दिखाया तो सब लोग किसकी ओर आ रहे हैं, किसकी ओर आ रहे हैं। अभी वो जादूगर फिलिपुस के पास आया, कहता ये वरदान ये मुझे भी दे दो, ले लो पास पैसे, ये शक्ति मुझे भी दे दो कि मैं जल्दी जल्दी से लोगों के काम करूं। आपको परमेश्वर फ्री दे रहा है और आप लेना नहीं चाहते। मैंने कहा आपको परमेश्वर फ्री दे रहा और आप लेना नहीं चाहते। अभी ये कसूर परमेश्वर का नहीं है, ये आपका है क्योंकि आपके ऊपर है। परमेश्वर ने जो अपना काम करना उसने कर दिया। क्यों बाइबल में लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मगर चंगाई क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो बाकी नियम है बाकी चीजें आप वो पूरा नहीं कर रहे जिससे आपको चंगाई मिलनी है। भाई मैं लिखा कि उसके कोड़े खाने से, ये वर्ड है ये शब्द है कि उसके कोड़े खाने से क्या हो गए? कहीं पर लिखा है तेल लगाने से, लिखा हमें उसके कोड़े खाने से क्या हो गए? चंगे। चंगाई क्यों नहीं मिल रही बोलो, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? वर्ड तो दे दिया, शब्द तो परमेश्वर ने दे दिया कि उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो चुके, चंगे हो, मगर वर्ड के सच्चाई को नहीं जानते, उसके कोड़ों की मार को नहीं जानते, उसके बलिदान को क्रूस पर जो उसने अपने जीवन का बलिदान दिया नहीं जानते उस सच्चाई को, तो वो काम नहीं करेगा वचन। बोलो वो वचन काम नहीं करेगा। अब बोलते रहोगे, किसी ने आपको बताया, पास्टर जी ने बताया ऐसे बोलो उसके कोड़े खाने से चंगे होंगे, वो बोलेंगे कोड़े खाने से चंगे होंगे, होंगे नहीं, क्योंकि वर्ड की सच्चाई को जब तक आप जानोगे नहीं ऐसे नहीं। लोग 91 जबूर पढ़ते हैं, भजन सहता 91, कितना लोग वहां पे ऐसे लिखा ना, तू रोगों से महामारी हर एक मुश्किल से बचेगा, और उस वचन को पढ़ते हैं, मगर उस वचन की जो डेप्थ है, गहराई है, जो उस वचन की सच्चाई है, अगर वो नहीं जानते तो वचन काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वो वचन काम नहीं करेगा। आज जितने लोग सुन रहे हैं कि ये ऑयल मीटिंग वर्ड ऑफ ऑयल मीटिंग है जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि आप किसके लहू से अनॉइंट हो चुके, इसीलिए 91 भजन संहिता जबूर में जो लिखा है वहां पे ऐसे लिखा है, एक जन पढ़ो इस 91 को, 91 भजन संहिता जबूर जिसे बोलते हैं, 91 अध्याय, इसमें देखना क्या लिखा है। जल्दी जल्दी से पढ़ो, जल्दी जल्दी से, टाइम कम है मेरे पास, जल्दी से पढ़ो, एक से। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। पहली बात है कि जो सर्वशक्तिमान के छाया के स्थान में बैठा रहे, बैठते कहां है लोग, टिकते कहां है, उनके मन टिकते नहीं, तो लिखा वो ठिकाना पाएगा, क्योंकि मन टिकेगा नहीं, इसलिए तो लिखा धीरज धरना जरूरी है क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। लोग धीरज धरते नहीं। हाँ, दाऊद कहता है कि जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा हुआ है वो सर्वशक्तिमान में क्या पाएगा, ठिकाना। और आगे पढ़ो, मैं यहोवा के विषय कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ, और वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है,
ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हाँ, बस आमीन। क्या है? तेरे निकट हजार और तेरे दाहिनी 10,000 भी दुष्ट होंगे, वो गिरेंगे। पर कब गिरेंगे? कब गिरेंगे? जब तू उसमें बैठा है। वो महामारी रोग से, घातक मरी से, जो शैतान दिन दोपहर लोगों के जीवन को उजाड़ता, ये कोरोना ने कितने लोगों के जीवन को नाश कर दिया। लोग अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर इस बीमारी की वजह से चले गए। पर कौन, किस बंदे का कोरोना कुछ नहीं कर सकेगा जो किसमें बैठा है, किसकी छाया में बैठा है? हाँ, जो रोज रोज किसका धन्यवाद कर रहा है, क्या कर रहे हैं? जो बंदा रोज रोज किसके साथ जी रहा है, ऐसे नहीं महीने बाद, हाँ दो महीने में, जो किसके साथ जी रहा है, रोज रोज किसके साथ जी रहा है? हाँ, आज संडे है जी, आज याद आया प्रभु की, आज संडे, आज याद आई, पूरा हफ्ता याद नहीं, पूरा हफ्ता अपने कामों में व्यस्त है, बिजी है, और संडे आज याद आया। यहोशू के कहता रात दिन क्या रहे, मगन रहे, मगन क्या रहे, मगन रहे। अगर भजन संहिता आप 119 पढ़ो तो वहां पे 119 की एक में लिखा है, क्या ही धन्य है जो परम चाल के खरे हैं, जो खरे लोग, क्या ही धन्य है जो परम चाल के खरे हैं, वो धन्य है, धन्य। देखो अगर आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, कई लोग बोलते नहीं यार टाइम नहीं देते, वो नहीं है, परमेश्वर का अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, मैं किराया नहीं है, कैसे आऊं? आपका परमेश्वर कौन है आपको पता नहीं? आपका परमेश्वर वो है जो समुद्रों को धो बाग कर सकता है। ये सोना पूरा धरती में किसने डाला है? सोना कहां से निकलता है? मिट्टी से निकलना, धरती से। ये किसने डाला है? अगर दुनिया के लोग ले सकते हैं जो नहीं उसको जानते, तो आपके लिए कितना करेगा परमेश्वर? पर आप जानते नहीं, आप अपने किराए के लिए सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल करोगे नहीं तो कैसे परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे? निकलो, कोई बात नहीं है, मैंने जाना है, मुझे चाहे पैदल जाना पड़े, पर आने नहीं देगा, उससे पहले परमेश्वर इंतजाम करेगा। प्रैक्टिकल किया नहीं तो परमेश्वर की सामर्थ को कैसे देखोगे? हाँ बोलो, प्रैक्टिकल किया नहीं तो परमेश्वर की सामर्थ को कैसे देखो? अपने पाप को छोड़ा नहीं, हाँ तो कैसे 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 देखोगे? कैसे परमेश्वर की महिमा को देखोगे? अपने पाप को छोड़ा नहीं, प्रभु में भी आगे आज भी व्यभिचार मन में वही ख्याल है व्यभिचार के, हाँ क्या है? आज भी फ्रेंडशिप या किसी के साथ आज भी मन क्या कर रहा है? पता नहीं क्या क्या सोचे सोच रहा है, समझ आ रही है? तो अपने पाप को छोड़ोगे नहीं तो फिर परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा, कैसे छुटकारा आपको देगा? डरो, क्या करो? डरो और परमेश्वर का हर बात में उसका आदर करो। जैसे आज आपने आदर किया, ये आदर एक दिन के लिए नहीं, हर दिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर सिर्फ मेरे लिए आए हो, आप किसके लिए आते हो? आपको कौन आपके जीवन में सारे काम करता है? मैं के परमेश्वर, मैं तो सिर्फ एक चुना हुआ उसका पात्र हूं जो परमेश्वर मुझे यूज करता है। क्या करता है? मुझे यूज करता है। इसीलिए कहा मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपनी असीम महिमा का धन आपके लिए रखा है। ये मिट्टी एक दिन में फिर कब्र में चले जाओगे तो फिर क्या करोगे? बोलो, एक दिन कब्र में चले जाओगे। देखो मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर रहा हूं, मेरे खुद के अपने बहुत काम होते थे। मैंने प्रभु के लिए अपने हजारों लाखों रुपए को भी छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए वो कितना करेगा? सोचो आपके लिए, हाँ आपके लिए वो कितना करेगा? इसलिए किसके साथ जियो? कई लोगों का मन सिर्फ धन पर है, क्या है? कईयों का मन सिर्फ धन पे, धन पे, क्या है? सिर्फ धन पे, धन पे। अब परमेश्वर आपको बहुत धन देगा। उसने कहा छह दिन तुम अपने काम करो, सातवें दिन तुम्हारे परमेश्वर का विश्राम का दिन है।
शुरू में परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी, क्या दी कि छह दिन तक अपने काम करो और सातवां दिन, ये भी एक वर्ड था, ये शब्द था जो परमेश्वर ने इसराइलियों को वचन दिया, हाँ, कि छह दिन तक अपने काम करो, सातवां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का आराम का दिन है, विश्राम करो। अगर तुम मेरे वचन को पूरा नहीं करोगे तो उसने उन्हें एक आज्ञा दी, तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे, मतलब मेरे विश्राम में, मतलब मेरे स्वर्ग में तुम जा नहीं सकते। क्या नहीं जा सकते? जा नहीं सकते। आपका परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला, अगर वो धरती ना बनाता तो हम कहां पे रहते? लिखा ये धरती पानी था, पानी पानी, घोर अंधकार था। फिर हम अंधेरे में क्या करते? सूरज नहीं था, हाँ, अभी दिन निकला जी, काम करना है, ड्यूटी पे जाना। अगर सूरज को परमेश्वर ना बनाता फिर क्या करते? जिसने आपके लिए सब कुछ बनाया वो आपके लिए सब कुछ इंतजाम भी करेगा। क्या करेगा? वो आपके लिए सब चीजों का इंतजाम भी करेगा, पर कब करेगा? जब आप उसकी इच्छा को पूरी करोगे, उसके वचन को पूरा। उसने कहा छह दिन बहुत है, हाँ, करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। अगर सातवें दिन में वो आशीष नहीं मिली, करके देखो, छह दिन की बरकत बारह दिन में आपकी बदल जाएगी। छह दिन के काम की आशीष, मैंने कहा बारह दिन की आशीष में बदल जाएगी। और वो परमेश्वर ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। आपने आज टेस्टिमनी सुनी एक बहन की कि उसके पास काम नहीं था, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी, उससे पहले ये अपना मन बहुत खराब करती थी अपने जीवन को लेकर। मैंने इसे कहा परमेश्वर पर भरोसा रख, ये मेरे ऊपर डिपेंड हो रही थी, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होना, किस पे पर डिपेंड होना, किसकी बातों पे अपने निर्भर होना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड, आप मेरे लिए इंतजाम करो। मैंने कहा मैं नहीं, तेरे लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। हाँ, एक इंसान इंसान को कितनी देर कुछ दे सकता है? दे सकता है कोई? चाहे उसके पास लाखों करोड़ों क्यों नहीं है, कितना किसी को कोई दे सकता है? आप मुझे बताओ, दे सकता कोई किसी को कोई? तो मैंने, ये मेरे ऊपर डिपेंड हो रही, अब मेरे लिए इंतजाम करो। मैंने कहा तेरे लिए इंतजाम परमेश्वर करेगा, हाँ, उस पर विश्वास कर। और उसने इंतजाम किया एक एक, हाँ, वहां पे ये सफाई का काम था, पर दूसरी एजेंसी में खुदा ने अच्छा मन किया। अगर मन खराब करोगे, कितने लोग हैं जो अपना मन खराब करते हैं, काम नहीं हुआ, अगर खराब करोगे तो और भी आपका सिस्टम बिगड़ेगा। क्या बनेगा? बिगड़ेगा। मैंने कहा अपना मन अच्छा कर। परमेश्वर ने सफाई को छोड़कर पीएन की नौकरी दे दी, हाँ, वहां पे अब लोग अपनी गाड़ियां परचेज करने आते हैं उस एजेंसी में। जब भी कोई नई गाड़ी लेता, इसे कभी 100 खुशी से, कभी 200, कभी 300, कभी 500। और इसने मन बनाया जितना कोई मुझे देगा उससे आधा में, वो जो इसकी सैलरी है उससे तो ये परमेश्वर अपना दशमांश तो देगी। और कितने लोग हैं जो परमेश्वर का हिस्सा जो उसे देते नहीं है, बोलो। इसलिए उसने कहा तुम्हारे अन्न उपजने के ऊपर, तुम्हारी आशीषों पर क्या है। अब मलाकी की पुस्तक पढ़ो तो उसने कहा लॉक लगी, आशीष आपकी आशीषों पर लॉक लगा हुआ, क्योंकि तुम यहोवा के दिए हुए वचन को क्या नहीं कर रहे, पूरा नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? यहोवा के दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर रहे। कितनों को समझ आ रही है? तो उसने ये अपनी सैलरी से अलग से ये अपना दशमांश निकालती है, अपना टाइट ना देने की वजह के कारण कितने लोग आपकी इस मंडली में बैठे होंगे जो कितने टाइट है, उनके ऊपर कर्जा हुआ है। पर बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा व्यवस्था विवर में, यदि तू मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा मैं ऊंचा करूंगा, मैं तुझे पूछ नहीं तुझे सिर्फ ठहराऊंगा, तू किसी के किसी से उधार नहीं तू दूसरों को उधार देगा। क्या देगा? तू दूसरों का उद्धार देगा, दूसरों को उधार देगा। पर कब देगा? जब आप उसके वचन को, आप सोचते मैं तो गरीब हूं, आपकी सोच गरीब है तो परमेश्वर कैसे ऊंचा करे। दाऊद गरीब नहीं था, वो भेड़ों और बकरियों को चारता, कैसे उसने इज़राइल का राजा बना दिया? आपकी सोच में गरीबी है तो फिर सारी उम्र गरीबी में रहोगे। अगर उसके वचन में लिखा मेरे वचन की आज्ञाओं को पूरा करो, आप करो, हाँ, अपनी कमाई का दसवां हिस्सा आप नहीं निकालते, कुछ लोग निकालते हैं। अगर उनके वो ज्यादा कमाने लगे, शुरू में कम था, 10,000 है, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 10 में वफादार थे, पर जब बढ़ा तो मन पैसों पर चले गया, अभी 2,000 की जगह 1,500, कभी कभी 1,000 मन करता, ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? पर इसका मन अच्छा है, ये अपनी सैलरी से अलग से निकालती है और उससे भी जो लोग खुशी से देकर जाते हैं उसका भी आधा हिस्सा ये परमेश्वर को देती। 100 मिले तो 50, अगर 200 मिले तो 100, अगर 300 मिले 150, 500 मिले तो 250। आप परमेश्वर के लिए जियोगे तो परमेश्वर आपके लिए सब चीजों का इंतजाम करेगा, क्योंकि वो इंतजामी खुदा है। बोलो क्या है? वो इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, वो अपने आप आपके लिए सारे इंतजाम करेगा। क्या करेगा? वो खुद करेगा। करके देखो, क्यों लिखा भजन 37:34 में, चक्कर देख करके देख, मैं भला हूं कि नहीं देख तो सही, करके करके देखा नहीं तो कैसे होगा। हाँ, पैसे नहीं है, किराया नहीं है, आज मन बनाया मैंने पैदल जाना, परमेश्वर की सामर्थ को कैसे देखोगे? परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब मन में इसे पहले सोचोगे, समझते हो? अभी इस मिनिस्ट्री का जितना खर्च है, कभी कभी जितना आप बोते हो उससे ज्यादा खर्च होता है। मैंने कभी नहीं सोचा, हाँ मैंने कभी नहीं सोचा ये आज तो इतना खर्च हो गया मीटिंग में, लोगों ने इतना दिया, परमेश्वर ये तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, ये बहुत है। मैं ऐसे विश्वास कर, मैं सच्ची कहता हूं, कभी कभी जो आप बोते हो, जितना लोग बोते हैं, कोई लोग 10 रुपए बोते हैं वो भी फटे हुए हैं, 4 जगह उसमें चेपियां लगी होती हैं, उसने 10 रुपए ये बोना, नहीं कोई बात नहीं है, अगर 10 रुपए विश्वास से बोवो कि मैं खुदा 10 नहीं मैं बहुत सारे बो रही हूं, अगर कुछ भी नहीं है खाली याद कर दो मैं बहुत बो रही हूं, परमेश्वर आपकी मुट्ठी पैसों से भर देगा। पर अगर आप अपना मन ही 10 रुपए में रख रहे हो तो परमेश्वर कैसे करेगा? अपनी सोच ही 10 रुपए में रख के बैठे हो, मैं 10 ही, मैंने 10 ही देने, तो परमेश्वर हजारों लाखों को आपको कहां देगा? उसने कहना मैंने इसको लाखों दे दिए तो ये क्या करेगा? हाँ, ये तो अपना जीवन और खराब कर लेगा, ये हो सकता मुझे भी छोड़ दे, कम से कम बना हुआ चलो बने रहो, पर उसके लिए जी रहे हो तो परमेश्वर लाखों भी देगा, करोड़ों भी देगा। अगर आपका हजारों लाखों वाला बोने का मन है तो देगा, अगर बुद्धिमान हो। देखो आपने खुद से नहीं, आपको देना किसने? आप एक चीज रखो अपने माइंड में ध्यान के, कि मैं तो एक दिन मेरा जीवन ऐसा था, किसने मुझे इतना आशीष किया? करके देखो, क्योंकि हर चीज करने से पता चलेगा।